मुर्गन साहब से मिलना। मुर्गन कहाँ हो तुम? मैं ऊपर है मीना। तुमसे कोई मिलने आया है? अभी आता है मैं। क्या मांगता है? हमें फेक सर्टिफिकेट चाहिए सर। चल कल्टी मार। अरे जाना यार, दोबारा आना नहीं। सर डीपीआई मुर्गन तो आप ही है ना? थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है, पुलिस पहले से ही पीछे पड़ी है ना। कैमरा फोन ने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया है। पर तुम लोग अच्छे आदमी लगता है। क्या मांगता है? एसएससी या एचएससी का मांगता है? बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग का चाहिए। अरे कमीशन तो मिलेगा ना बच्चा लोग? बहुत मोटा कमीशन देंगे आपको, लेकिन पहले सर्टिफिकेट चाहिए। मैं जो एड्रेस दे रहा ना, उधर जाके मेरा नाम लेने का, क्या समझा? ये ले। शहर की भीड़ भरी सड़कों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने लोगों को मेट्रो का तोहफा दिया है। ये ट्रेन 45 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। आगे 17 नवंबर को तूने अपने चैनल पे फेक सर्टिफिकेट की न्यूज टेलीकास्ट की थी, वो खबर किसने दी बता? कलई नगर टीवी की फातिमा से न्यूज मिली थी। वही बिल्डिंग है। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए? कौन सी यूनिवर्सिटी का? अन्ना यूनिवर्सिटी। वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है बाबा, खर्चा होएगा, वेरिफिकेशन में फंस सकता है। घर के सेवर बेच के दे दूंगा पैसे। ये एड्रेस पे चले जा, मेरा नाम ले, काम हो जाएगा। निकल। हाँ बोलो संजीव। तुमने जो नकली सर्टिफिकेट की न्यूज दी थी ना, किसी ने गन पॉइंट पर मुझे धमकी देकर पूछा। मैंने तुम्हारा नाम बता दिया है, संभल कर रहना। फातिमा क्या हुआ? कांति के टीवी रिपोर्टर विघ्नेश ने। कौन से नाम का सर्टिफिकेट बनाओ रे? आर गौतम। गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से एक डिग्री सर्टिफिकेट 29.7 सेंटीमीटर लंबा होगा और 21.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, और जो पेपर की क्वालिटी है वो केवल टाइवेक होगी और उसी पेपर पर प्रिंट होगा, ये वो पेपर नहीं है। एनडीटीवी सौम्या। अन्ना यूनिवर्सिटी का चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियर का? नहीं नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सर्टिफिकेट की मोटाई 0.156 मिलीमीटर होगी। सर्टिफिकेट पर लिखा हर एक वर्ड स्पेशल जर्मन मेड इंक से छपा होना चाहिए। ये भी सही। ये जर्मन मेड इंक का प्रिंट नहीं है। विक्की मैं सेफ हूँ और घर पहुँच गई, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हेलो बक, जया टीवी के रिपोर्टर कपिल ने एनडीटीवी के रिपोर्टर सौम्या को ये न्यूज दी थी। आ जाओ कमल। क्या साहब कह रहे? सोलोमन ने इसे भेजा है। तो जा, तू मेरे साथ आ रहे। ये ले अन्ना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, कॉलेज भी पहचान नहीं पाएगा। सर्टिफिकेट के कागज पर एक छुपा हुआ निशान, एक मोहर होती है। जब उसे यूवी लाइट के सामने लाकर देखते हैं तब जाकर वो दिखता है। 2009 के सर्टिफिकेट में ये निशान इस जगह नहीं था। बोल कपिल। यार निशा हम लोग फंस गए हैं, कोई नकली सर्टिफिकेट न्यूज की छानबीन कर रहा है, और हो सकता है कि वो तेरे पास भी आए। यहाँ सर्टिफिकेट नहीं छपता, वो लोग दूसरी जगह पे छापते हैं। पार्सन कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 137, नाम भास्कर। गाला नंबर 137 यही है। अनु तुम यही करो। हाँ दादा बोलूं। वो भास्कर से मिलना था। और तुम्हें? सर्टिफिकेट के लिए अन्ना दुराई ने भेजा। अब्दुल। हाँ भाई, इसको बर्मा मेंशन लेके जाओ और इसका काज पूरा करके दो। हेलो। हेलो शेखर, 17 नवंबर को तूने नकली सर्टिफिकेट की न्यूज दी थी ना, उन गुंडों ने धमकी देकर मुझसे पूछा कि वो न्यूज कहाँ से मिली थी, तो मैंने डर के मारे तेरा नाम ले लिया। शेखर क्या ढूंढ रहा है तू? ए, कुछ पूछ रही हूँ, बताता क्यों नहीं है?
इतने सारे सर्टिफिकेट कहाँ से आए? दिखा मुझे। रुक रुक। दिखा ना। इतनी डिग्रियां गौतम के पास कहाँ से आई? शेखर तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना, बता क्या बात है? तू यही रुक, तू साथ में आ। तुम गाड़ी में बैठो, जल्दी आना। भाई यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरा क्यों है? ये तरुण सरकार की जगह है, यहाँ बिना पहचान के कोई नहीं आता है। हाँ एक मिनट, गेट खोलना भाई। सत्तार भाई है ना? हाँ, थर्ड फ्लोर। हाँ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए हम सबूत डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ भी करके गौतम को बचाना होगा, तभी वो नेटवर्क पकड़ा जाएगा। हेलो सिक्योरिटी सर, किसी को भी अंदर आने मत देना। हाँ सर, जल्दी से मेन शटर क्लोज कर दो। ओके सर। अभी तक तो वहां निकल रहा है। भाई अन्ना दुराई ने भेजा इसको, इंजीनियर बनना है अन्ना यूनिवर्सिटी से। जा मैं देख लेगा जा। सलाम भाई। हाँ किसी और कॉलेज का होता तो अपन 4 लाख में पटा देता, अन्ना यूनिवर्सिटी का है ना 10 लाख लगेगा, क्या बोलता बंटा है? चलेगा। ए नईम, अपन अंदर जा रहा है सर्टिफिकेट छापने को, तू उसकी झड़ती लेते रहे। अगर तू सोया तो अपन तेरे को मौत की चारपाई पर सुला डालेगा। भाई लगता है वो लोग को पता चल गया था इसलिए वो भाग गए। ठीक है ओए, चलो निकले यहां से। वो लोग चले गए हैं, अभी हम लोग सेफ हैं। देख अपुन तेरे को अन्ना यूनिवर्सिटी का नहीं दे पाएगा, जिस कॉलेज में गौतम नाम का छोकरा मिलेगा उसी कॉलेज का दे पाएगा। अपुन चेक करते हैं। PWD Electricity Board, Revenue, Road Transport, ये लिस्ट उन लोगों की है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नकली सर्टिफिकेट के जरिए पहुंचे। इसकी खुशबू बता रही है कि ये अलग अलग जगह पे प्रिंट हुए हैं। और किस कुकड़ की फोटो है ये? मुझे नहीं पता। Ah!
अब तो बताएगा कौन है वो? छोकरा तकदीर वाला है, अन्ना यूनिवर्सिटी में उसी नाम का एक छोकरा मिल गया मुझे। नसीब वाला है। क्या हुआ लाले? नाम मैच हो गया ये तो समझ सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कैसे मैच हो गया ये नहीं समझा अपुन। ये तो और भी अच्छा है। नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, जरा उसकी फोटो निकाल। ले पकड़। इस नाम का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करता हूँ। ये तो वही लड़का है। क्या करने का? अभी मुझे बापू से बात करनी होगी। खड़ा जा एक मिनट। बोल। बापू, अन्ना यूनिवर्सिटी के नकली सर्टिफिकेट के लिए एक लड़का आया है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हुए भी वो हमसे नकली बनवा रहा है। नाम क्या उसका? गौतम। गौतम, एजुकेशन लोन की लिस्ट में उसका नाम है क्या? चेक करके फोटो भेज। ठीक है बापू। चैनल स्टाफ लिस्ट में देखो कोई गौतम है क्या? ये वही लड़का है, इसका नाम गौतम है। समय किधर है वो? हमारे ऑफिस में है वो। तलवार से टोटे टोटे कर दे उसके। छोड़ी ना। ठीक है बापू। ए, आओ रे।